हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है लाल भाजी की सब्जी। दोस्तों, यह छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध भाजियों में से एक है और यह आयरन से भरपूर होती है और बहुत ही हेल्दी सब्जी होती है। आज मैं इसी की सब्जी बनाने वाली हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और देखिए चैनल को और दबाइए बेल आइकन को, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। लाल भाजी की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए लाल भाजी, आधा किलो टमाटर और 5-6 हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक लेंगे, सरसों के दाने लेंगे, 2 चम्मच तेल लेंगे। सबसे पहले लाल भाजी को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और अच्छे से धो लेंगे। टमाटर और हरी मिर्च को बारीक काट लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई के गर्म हो जाने के बाद 2 चम्मच तेल डालेंगे और तेल को भी गर्म हो जाने देंगे। तेल के गरम हो जाने के बाद 1 चम्मच सरसों के दाने डालेंगे और इसे फूटने देंगे। सरसों के दाने जब फूट जाए तो इसमें हरी मिर्च को डाल देंगे और हरी मिर्च को थोड़ा सा भून लेंगे। हरी मिर्च जब भून जाए तो इसके बाद टमाटर डालेंगे। टमाटर डालकर अच्छे से इसे मिला लेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और ढक के 2-4 मिनट के लिए पका लेंगे। अब टमाटर को इस तरह से मैश कर लेंगे और लाल भाजी को डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ढक कर 5-10 मिनट के लिए पका लेंगे। अच्छे से पकने के लिए अब इसमें थोड़ा सा और पानी डाल देंगे और पानी के सूखने तक इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। लाल भाजी की हेल्दी टेस्टी रेसिपी बनकर रेडी है। दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।